हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था, यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन इन द ग्राफिकल मेथड। ओके, जिसमें हमने देखा था हिस्टोग्राम मेथड, ठीक है। देन उसके बाद में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेथड। देन अब हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे पाई डायग्राम मेथड। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पाई डायग्राम। क्या करेंगे हम इसमें, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे पाई डायग्राम के साथ। जैसे कि मतलब कि हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल के अंदर। ओके, जैसे कि ये सर्कल है, सपोज करो, थोड़ा सही नहीं बना है लेकिन एक सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि अब हमें पता है जो हमारी अर्थ है पूरी, ठीक है, अर्थ के अंदर कितना पानी है और कितना जमीन है, यानी जिस पे हम रह सकते हैं, ठीक है। जमीन मतलब पहाड़, माउंटेन, जंगल, फॉरेस्ट और जो सिटीज वगैरह जो इसमें हम रह सकते हैं, ठीक है, जमीन। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है पानी, पानी से घिरा हुआ इलाका, ठीक है। तो हमारी अर्थ पे क्या क्या कहेंगे हम उसे, लैंड, ठीक है, और दूसरा है वाटर है। इस दो चीज से हमारी टोटल अर्थ कवर है। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि जमीन का ज्यादातर हिस्से में क्या है, पानी है, और कुछ हिस्से में लैंड है, यानी कि जमीन है जहां पे हम रह सकते हैं। ओके, तो इसका कुछ हमें परसेंटेज देकर है। जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर है वो कितना है, 71% है, और सिर्फ 29% लैंड है जिसपे हम रह सकते हैं। ओके, और वो भी पूरा लैंड रहने लायक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, कहीं पे बर्फ के पहाड़ है, कहीं पे बहुत इतना घना जंगल है कि वहाँ पे हम रह नहीं सकते, लेकिन मतलब कि जमीन का इलाका है। ओके, तो इसे हमें पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल के इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब जो बड़ा पार्ट है वो हम वाटर के लिए लेंगे 71%, और जो छोटा पार्ट है वो हम लैंड के लिए लेंगे 29%, ठीक है, वाटर लैंड। तो हमने इस तरह से हम पाई डायग्राम से हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने जो पार्टीशन किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब हमें तो पता है कि हमने बड़े के लिए 71 ले लिया, छोटे के लिए 29 लिया, लेकिन हमने सही लिया या नहीं, तो वो हमें यहाँ पे यह देखना पड़ेगा। जैसे कि अब हमने हमें पता है कि पूरा जो सर्कल है उसका जो मेजर होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। यहाँ से अगर आप पूरा ऐसा इतना काउंट करोगे डिग्री से, तो कितना आएगा आपका, 360 डिग्री। अब हमें इस 360 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है 29% के लिए और दूसरा पार्ट है 71% के लिए, जो कि बिल्कुल सही आना चाहिए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। वैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कि सपोज हमारे हमारी एक क्लास है, क्लास के अंदर टोटल 36 स्टूडेंट्स है। ओके, और हमारे क्लास में जो गैदरिंग है उसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, जैसे कि ले लो टेनिस एंड क्रिकेट, रैकेट एंड फुटबॉल। ओके, इस तरह से कितने, 1 2 3 4 डिफरेंट गेम्स है। ओके, तो अभी इस 36 स्टूडेंट में से किसी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, किसी को टेनिस पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को रैकेट पसंद है, और किसी को फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल सॉरी 6 स्टूडेंट्स, और किसी को फुटबॉल पसंद है। अब कितने हो गए, 26 10, नहीं, अब ये टोटल कितना हो गया, 36 हो गया, तो यानी कि फुटबॉल किसी को पसंद नहीं है। ओके, तो इस तरह से 36 स्टूडेंट्स हैं पूरे, और किसी को टेनिस पसंद है, 10 10 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है, 20 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, और 6 स्टूडेंट्स को रैकेट पसंद है, और फुटबॉल किसी को भी पसंद नहीं है। ओके, तो इस डाटा को हमें क्या करना है, पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे एक, ठीक है, और सर्कल एक इतने से करना है हमें, 1 2 3 4, चार खेल है, तो टोटल हमें सर्कल के चार पार्ट करना है। ओके, अब क्वेश्चन यही आता है कि
किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो हमें जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्रिकेट के लिए ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के लिए बड़ा हिस्सा, टेनिस के लिए थोड़ा कम है तो टेनिस के लिए थोड़ा कम हिस्सा, और रैकेट के लिए और भी कम है, ठीक है, तो ये इसके लिए हिस्सा। फुटबॉल के लिए एक भी स्टोन नहीं है तो फुटबॉल के लिए तो जगह बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया टेनिस, ये हो गया रैकेट। अब यहाँ पे देखो हमने जो डिवाइडेशन किया है वो क्या किया, गलत किया है, क्योंकि हमारा जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट बच गया है किसके लिए, फुटबॉल के लिए, लेकिन फुटबॉल का तो ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो फुटबॉल खेलता हो, ठीक है ना। तो यही एक पॉइंट आता है कि हमें जो हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हर एक के लिए बिल्कुल सही डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। जो हम जो एंगल निकाल रहे हैं डिवाइड करने के लिए, जो एंगल थीटा, वो सभी के लिए सही परफेक्ट आना चाहिए। अगर हम वो सही परफेक्ट निकालते थे तो यहाँ पे हमें जगह बचती नहीं थी, मतलब क्या, ये हमने जो पार्ट लिया है वो गलत लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा और बड़ा होगा, और ये जो सर रहेगा क्रिकेट का रहेगा, ये टेनिस का रहेगा, और ये हिस्सा रहेगा रैकेट का, जिसे तीनों से पूरा जो तीनों भी जो स्टूडेंट है पूरे 36 स्टूडेंट टोटल हो जाएंगे, और फुटबॉल के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहेगी, 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को फुटबॉल गेम पसंद नहीं है। ओके ठीक है, ये फुटबॉल कट गया था शायद, आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है सभी जितने भी हमारे पास ऑप्शन है या पॉसिबिलिटीज है सभी के लिए इक्वल और परफेक्ट एंगल हमें मिले, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, दैट इज, उसके लिए मिटाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल, यानी कि हम जिसे थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, इंटू 360। ओके, तो इस फॉर्मूला का यूज करके ना हमें जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के लिए जो सेंट्रल एंगल थीटा है वो एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन था, अर्थ पे वाटर और लैंड के लिए, ठीक है, तो क्या था, वाटर कितना था 71% और लैंड कितनी थी 29%, ठीक है। अब हमें इनके लिए एंगल फाइंड करना है कितना एंगल है, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूले में लेंगे नंबर स्कोर इन कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमारे पास दो है, एक वाटर है और एक लैंड है, तो वाटर के लिए हम देख रहे हैं तो स्कोर लिखो या फिर परसेंटेज लिखो, ठीक है, परसेंटेज जो भी वैल्यू लेंगे हम वो लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर अपॉन टोटल परसेंट इंटू 360। ओके, तो वाटर का परसेंट है 29 और टोटल परसेंट होता है 100, 36 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या होगा, दो जीरो काटेंगे तो एक जीरो, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या करेंगे हम 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 104.4 डिग्री, ठीक है। तो जो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो यहाँ पे है ना ज़्यादातर परफेक्ट एंगल ही हमें मिलेगा। अब इसमें हमें 0.4 मिला है, 0.4 को इग्नोर करके 104 डिग्री भी हम ले सकते हैं। ओके, तो जब हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, पाई डायग्राम, तो हम यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे हम डिग्री रखेंगे और वहाँ से हम काउंट करेंगे 104 डिग्री, ठीक है, तो कुछ यहाँ तक इस तरह से वो आएंगे, जो कि जो पर्सन रहेगा लैंड के लिए। अब ये जो बचे वाला है, दो ही पार्ट है, तो ये जो बचे वाला रहेगा ये किसका रहेगा, ये रहेगा वाटर के लिए। ओके, तो 360 में से 104 सब्ट्रैक्ट करें तो 652, यानी कि 256 डिग्री जो रहेगा वो वाटर का पर्सन एंगल रहेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम हमारे जितने भी कंपोनेंट है
उसके लिए सभी के लिए एक परफेक्ट सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे एक पाई डायग्राम बनाएंगे। ओके सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन पाई डायग्राम का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.6 सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँचे चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।